चंद्रयान 3 लैंडिंग ने लईने ज्यारे आतुरताथी राह जोवाई रही हती त्यारे आ आतुरतानो अंत गईकाले आवी चुक्यो। चंद्रयान 3 पर जे चंद्रयान 3 छे ते चंद्र पर लैंड थई चुक्यो छे त्यारे संपूर्ण मिशन ने लई गुजरात काउंसिल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना नरोत्तम शाहू द्वारा चंद्रयान 3 ने लईने महत्वपूर्ण माहिती आपवामां आवी। साथे ज चंद्रयान पर पहोंच्या पछी चंद्रयान 3 कामगीरी शुं करशे तेना विशे संपूर्ण माहिती आपवामां आवी। एंड रोवर में जो पेलोड होता है वो पहली बार वहाँ का जमीन में क्या क्या कंपोनेंट होता है, इनका मिट्टी कैसा होता है, पानी कैसा होता है, वहाँ के क्या क्या मिनरल्स हो सकता है वहाँ पे, प्लस इनके जमीन के ऊपर में कोई ऐसा वाइब्रेशन जैसे पृथ्वी में जैसे धरती कंप होता है वो होता है कि नहीं होता है, ये सारा चीज एक ही साथ एंड एक ही समय पर ये लोगों का एक्सपेरिमेंट होगा। एंड ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एंड इनका परिणाम के हिसाब से हमारा नेक्स्ट मिशन तैयार होगा, ताकि बिकॉज ये मिशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, ये तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हुए हैं बट इनका जो लॉन्ग विजन है इसके हिसाब से हम लोग रखा है कि वहाँ पे कैसे चंद्रमा को हम लोग एक नेक्स्ट स्टेशन तैयार करेंगे, ताकि यहाँ से उड़ान भरकर जाएंगे तो हमारा चंद्रमा का साउथ पोल में हम लोग लैंड करेंगे, फिर वहाँ पे फिर हम लोग को रिफ्यूल करना है और रिचार्ज करना है और कुछ हमको स्टे करना है, ट्रांजिशन में हमको थोड़ा सा स्टे करना है, तो फिर वहाँ से फिर हम लोग दूसरा छलांग लगाना है, इधर आप मंगल को जाना है कि कोई दूसरा ग्रह को जाना है कि डीप स्पेस रिसर्च करना है, तो इसके लिए इतने चंद्रमा लगभग 385,000 किलोमीटर और 400,000 किलोमीटर तक हम लोग जा रहे हैं, तो ये स्टेज को जा करके वो साउथ पोल का सारा जो इनका इसको एक हैबिटेबल प्लैनेट और ये सैटेलाइट तरीके से हमको करने के लिए कल का बोथ लैंडिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड इनका एक्सपेरिमेंट वो बहुत महत्वपूर्ण है। लैंडर एंड रोवर में जो पेलोड होता है वो पहले